दोबारा सफ़र स्टार्ट हो गया जी, लंच ब्रेक के बाद और नमाज़ ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह अब अगला स्टॉप मक्का ही है। होटल में और फ्रेश फ्रुश होते हुए 10:30-11 बजे उम्रे के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब पूरा दिन लग जाएगा, 1-2 बजे से वापसी होगी। नन्ना आज ही तो सोया, 8 बज गए हैं और अभी भी 1 घंटे का सफ़र आ रहा है। ड्राइवर ने बस का थोड़ा सा माहौल बना दिया, पौना घंटा हो गया भाई। ये तो क्या कहते, इसको मिल ही नहीं रही जी बिल्डिंग जहाँ इसने हमें ड्रॉप करना। इन भाई की तो वैसे ही डिफरेंट है हमारी बिल्डिंग, तो इनको बिल्कुल भी नहीं मिली। इनको इन फजर हो जानी है मुझे लगता है। हमें भी इधर घंटा हो गया सर, 10 घंटे ये फुल प्रैक्टिस, इन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा दी है हज की। नहीं, आपको बस में बैठे हुए तो 12 घंटे हो गए, आपको 10:30 के बैठे हुए। फाइनली जी पहुंच ही गए हैं बिल्डिंग नंबर 110 तो अपने ठिकाने पे। माशाल्लाह टाइम हो गया 10:30। सेंटर नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 10 अनाउंसमेंट हो रही है जी, पहुंच गए। सेंटर नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 10 सर, हम कोई 6 हमारी टीम जब स्कैनिंग कर लेगी जी सर, हम कोई 6-7 हाजी है। अब आपका बिल्डिंग नंबर चेंज है? हाँ जी, हमारा है 703 703 जिनका बिल्डिंग नंबर 110 के अलावा है वो अपने कार्ड स्कैन नहीं करवाएंगे। ठीक है, कितने लोग हैं हाथ खड़ा करें? 6 लोग हैं। जैसे ये स्कैनिंग हो जाएगी आज ही से बाहर नीचे उतरेंगे, आप भी नीचे उतराएंगे मेल, और अपना सामान वापस इसी बस में रखवाएंगे और ये बस आपको आपके मुतलका बिल्डिंग पे छोड़ के आएगी। सामान अलहदा शुरू में करवा दिया था, आप पहले ही बता दें इसी बस में। हाँ जी, वो लेकिन नीचे अलहदा पड़ा, इंश्योर करेंगे कि आपका सामान इसी बस में मौजूद है और जब आप इसमें वापस जाएंगे ये आपको छोड़ के आएगा, इसकी जिम्मेदारी है। हमें अगर उतार देते हैं 2 बंदों को तो हम साइड पे करवा लेते हैं। आप जो 710 के 2 बंदे हैं ना वो उतरे नहीं, आज आप आ जाओ, हाँ आप साथ चले जाओ, मैं चला जाऊंगा तो आप नहीं जाना। 703 सॉरी, फिर आपने भी स्कैनिंग, आपने भी कार्ड नहीं, मुख्तलिफ दाखिली रास्ते हैं, ये भी बात आप इंश्योर करेंगे कार्ड दिए भाई साहब। किसी भी परेशानी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप दरवाजे से हरमपाल में दाखिल हो, उसी दरवाजे से आप वापस बाहर निकले।
अगर आपका गले का कार्ड गुम हो जाता है, आपको आपकी बिल्डिंग नंबर याद होना चाहिए। आपका बिल्डिंग नंबर 110 है। अगर आप धर्मबाग में भूल भी जाते हैं तो बाहर जब आप निकलेंगे तो हमारे ये ग्रीन जैकेट्स वाले हरम के दाएं बाएं गाइड पोस्ट पर मौजूद हैं। उनके पास चले जाएंगे तो उन्हें बताएंगे मेरी बिल्डिंग नंबर 110 है, तो वो आपको गाइड करेंगे और आपको गाइड करके पहुंचा देंगे कि ऐसा फलां बस पे बैठ जाए। ये होटल का एड्रेस है। आपको गाड़ी का इंतजाम किया है, आप जा सकते हैं आराम से सर। और उसके बाद आप स्कूटर तो खैर इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन आप गाड़ी ड्रॉप करेगी ना वहाँ से आगे सोनीपुर में, आपको अपनी गाड़ी देगी। बात ये पूछ रही है कि बस का नंबर क्या है। मैं बता रहा हूँ कि बस के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा, बड़ा सारा लिखा होगा, इसका मतलब है वो सिकंदराबाद की बस है। उसके साथ आपका बिल्डिंग नंबर 110 लिखा होगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा हो, बड़ा सारा ए लिखा हो, साथ में बिल्डिंग नंबर 110 लिखा हो। कर रहे हैं स्कैन का मतलब है कि डाटा रख रहे हैं कि कौन कौन आ गया। जैसे ही स्कैनिंग मुकम्मल होगी तो आगे से बाहर नीचे तशरीफ ले आएंगे। चले खाना खाना खाएं, फ्रेश हो, सामान अपना मैनेज करें। गाड़ियाँ नीचे होंगी वो हरम पाक ले जाएंगी उमरे के लिए, और जिस गाड़ी में जाना है उसी गाड़ी में वापस आना। इस दौरान आप खाना खा लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, सामान आपका लॉबी में आ जाएगा। जैसे आप खाना खा के वापस आएंगे सामान पहचानेंगे, अपने कमरों में तशरीफ ले जाएंगे। फाइनली बिल्डिंग में रूम में पहुंच गए, और ये रहा जी अपना रूम नंबर 305, 5 बेड है। चले सर, ये आ गए, अब हम उबरा के निकली जा रहे हैं फाइनली, और टाइम हो गया 12:30 हो गया इंशाल्लाह। तो देख ली तरफ चलते हैं और उमरा फिर इंशाल्लाह आपको पूरा उमरा भी आपको दिखाते हैं। ये उमरा के लिए शुरू कर लिया सफ़र, रात तकरीबन 12:45 हो गया सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक, उमरे के लिए जा रहे हैं। और ये नन्ना हाजी भी हमारे साथ है, ये भी माशाल्लाह इंशाल्लाह उमरा करेगा। जा रहे हैं ये बस, दो बसें कहते चेंज करनी पड़ती हैं, एक ये हमें आगे लेके जाएगी, फिर एक सऊदी गवर्नमेंट की होगी वो लेके जाएगी। हमारा है सेक्टर नंबर 110। अस्सलाम वालेकुम। ये नन्ना हाजी है। चलो जी, ये हरम पाक का सफ़र है, उमरे के लिए हरम पाक जा रहे हैं, और ये नन्ना हाजी भी जा रहे हैं। स्टेशन आ गया, एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट बस सर्विसेज देगी और एक गवर्नमेंट बस। आगे